आपके साथ आरती सिंह आजाद, स्वागत करती हूँ आपका केकेआर न्यूज में। आप देख रहे हैं शाम की हलचल खबरें राजनीतिक जगत से। मध्य प्रदेश में हास्य कलाकार फारूकी की जमानत याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ी, केस डायरी क्लब। पीएम ने स्वीकारी चुनौती, काशी के मंदिर का सही नाम बताया। शिवसेना के बाद आप सांसद संजय सिंह का दावा, बीजेपी और AIMIM के बीच हो चुका है गठबंधन। कई नेताओं ने थमा सपा का दामन, अखिलेश यादव बोले बीजेपी सरकार में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें। खबरें खेल जगत से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट, ऋषभ पंत ने की मैथ्यू वुड की स्लेजिंग, शेन वॉर्न और मार्क वॉक को आया गुस्सा। ग्रेग चैपल ने टिम पेन की लगाई क्लास, कहा दर्शकों के गंदे बर्ताव के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम जिम्मेदार। दिल का दौरा पड़ने से हार्दिक पांड्या के पिता का निधन, कृणाल पांड्या ने छोड़ा टूर्नामेंट। टीम नटराजन का धमाकेदार प्रदर्शन, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हासिल किए बड़े मुकाम। खबरें फिल्म जगत से। उर्वशी रौतेला लगा रही है मांग में सिंदूर, क्या तोड़ दिया है एक्ट्रेस ने लाखों का दिल। प्राची देसाई को लगी चोट, व्हीलचेयर पर बैठे हुए एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। तांडव को बैन करने की उठी मांग, हिंदुओं की भावना को आहत करने का लगा आरोप। बिग बॉस 14 में राखी सावंत बन गई है कबाब में हड्डी, कहा अभिनव शुक्ला को हाथ से जाने नहीं देंगी। खबरें प्रदेश व भोपाल की। भारत में आज वैक्सीनेशन का प्रथम चरण शुरू हो चुका है, ऐसे में रायसेन कलेक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन के लिए समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। रायसेन पुलिस द्वारा नारी सम्मान में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, इस मौके पर रायसेन जिले की पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने नारी सम्मान में शब्द भी लिखे और लोगों से नारियों का सम्मान करने की अपील भी की। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की ट्रायल का पहला चरण 16 जनवरी 2021 में किया गया। बुधनी ट्राइडेंट कंपनी ने बिना अनुमति लगा दिए हॉस्पिटल के शुभारंभ के होर्डिंग्स। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।